अस्सलाम वालेकुम। मैं हमने बैठा से ते अपना एक वीडियो देख सरेके से गल करा पंजाबी करा जो उर्दू करा उर्दू में ही ठीक रहेगा। पर मैं भी बैठा ही था, मेरे पास सोशल मीडिया पे दौर है, जब बंदा फ्री बैठा हो तो फेसबुक यूज़ करता रहता है, तो फेसबुक में फिर वीडियोज़ आती हैं, कोई मूवी देखता है, कोई गेमिंग देखता है, कोई स्टोरीज देखता है। तो मैं मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज देखता हूँ, कहानियाँ सुनता हूँ, तो उससे थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है। तो एक स्टोरी सुना रहा था, स्टोरी मियाँ बीवी की थी। उसने कहा गरीब मियाँ बीवी अपना शोर और बीवी यानी कि घराना था, जो गरीब घराने से ताल्लुक था दोनों का, वो बेचारा बंदा सुबह काम करने जाता है, मजदूरियाँ वगैरह जैसे मजदूर लोग काम करते हैं, तो देहातों में जाएं या गरीब घरों में जाएं तो उनका दरवाज़ा नहीं होता, तो दरवाज़ा की जगह कपड़ा लगा होता है, जो कपड़ा से मतलब मुंह अंदर जा भी सकता है, कोई उसकी पाबंदी नहीं होती। तो उस दरवाज़े को जब कपड़ा लगा, उसने शादी कर ली, दूल्हा ना गई, तो काम करने चला जाता था, ना कोई बच्चे ना कुछ। तो बीवी का शोर से यही कहना कि आप चले जाते हैं, मैं महफूज नहीं रहती आपके बगैर, तो मुझे दरवाज़ा लगवा दें ताकि मैं कुंडी लगा दूँ, मैं अंदर महफूज रहूँगी, कोई नहीं आएगा, जो आएगा नाक करेगा आएगा। अब मैं ना कुछ काम कर सकती हूँ, बैठी हूँ सुबह से शाम तक, ना बंदा क्योंकि दरवाज़ा खुला पड़ा है तो बंदा रिलैक्स कैसे बैठ सकता है। तो शोर का आ जाना घर डेली इसी बात का इसरार, कुछ दिन चले शोर का कहना कि दरवाज़ा जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई नहीं आएगा, तो आपका दरवाज़ा मैं हूँ। तो फिर उसका इसरार था, क्योंकि आपको पता है औरतें हैं, जब जिस पे ज़िद पे आ जाए तो अपनी बात मनवा के रहती हैं। तो उसने इधर उधर से पैसे उठवा के दरवाज़ा ला कर लगा दिया, बीवी थी कुंडी लगा देना उसका। तो उस कुंडी लगाने के बाद अपने काम करती थी, जब एक लाख हो गया वो हस्बैंड आना नाक करके चला जाना, तो रूटीन चल रही थी। तो कुछ दिन बाद शौहर फौत हो जाता है, तो बीवी घर में अकेली। तो ऐसे दो दिन बाद, क्योंकि जिस घर में फौत हुई हूँ तो हम लोग तो वहाँ जाने में पसंद नहीं करते, क्योंकि जिससे हमारे तलोकात थे वो तो छोड़ के चला गया। जाते हैं तो अच्छा खाना वगैरह मिले तो फिर तो हम बैठे रहते हैं, गरीब घर आने से खाना नहीं मिलता तो फिर हम भी उठ के चले जाते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं। तो दो दिन बाद साथ एक चोर आया, अंदर घुस गया, उसने शोर वगैरह डाला, शोर वगैरह डालने के बाद दीवार छलांग लगा गया था, महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, तो एक बुज़ुर्ग उसमें मौजूद था, बुज़ुर्ग ने तहकीक की, उस बीवी को कहा बेटा आपके सामने हालात। बीवी ने रोते हुए कहा मेरा दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, लेकिन मैं सिक्योर रहती थी, दरवाज़ा भी लग गया फिर भी मैं सिक्योर नहीं। तो उस बाबे ने बड़ी खूबसूरत गल की है कि बेटा तेरा दरवाज़ा वो ही सी जड़ा चला गया, ये तो फर्जी कुंडे ने जो खुल भी जाते हैं दूसरे ने कहने पर बंद भी हो जाते हैं दूसरे ने कहने, जड़ा तेरा दरवाज़ा से खुद चला गया। तो तमाम जिन्हें भी कुड़ियाँ ने जिन्हें शोर ने उन्होंने इज्जत की करो, चाहे माड़े ने चाहे जीवे ने, उन्होंने इज्जत की करो, थोड़े घर का दरवाज़ा ने जे तक घर वालिद या शोर जिंदा रहता है उन्हें बच्चे घर रहते महफूज रहते हैं। तो शोर की भी अपने एक कुड़ी आती है, शोर का भी हक है उस कुड़ी की अपना तमाम तर ख्याल किया करे, अपना माँ बाप भैन भरा छड़ के आती है सारे को, तुम भी तंग ना किया करे। तो एक मेरा एक खूबसूरत बात मुझे लगी है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, इंशाल्लाह इस तरह की कोई और स्टोरीज आएंगी तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।